उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बयान का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने अपना टिकट काटे जाने के मामले में समाजवादी पार्टी का बचाव किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सरकारें सांप्रदायिक भावना से काम कर रही है। हसन ने कहा कि मायावती ने आज जो मुसलमान को लेकर बयान दिया है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज मुसलमान इतना ज्यादा परेशान है कि इतना कभी परेशान नहीं हुआ। आज सरकारें सांप्रदायिक भावना से काम कर रही है। इस बयान को मैं बिल्कुल सही समझता हूँ। आज देश का मुसलमान जितना परेशान है शायद ही किसी दौर में हुआ हो। जो सरकारें हैं वो सांप्रदायिक भावनाओं से काम कर रही हैं। पार्लियामेंट से ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासारियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा है। सपा सांसद अपना टिकट काटे जाने से नाराज है और उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि वो मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए प्रचार नहीं करेंगे। देखिए ऐसा हरगिज नहीं है। सरकमस्टांसेस के ऊपर टिकट दिए जाते हैं और रिपोर्ट्स के ऊपर। मैं नहीं समझता कि ऐसा समाजवादी पार्टी में कुछ होता है। सपा नेता ने अपना टिकट कटने पर मायावती की टिप्पणी पर एसटी हसन ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है, टिकट रिपोर्ट्स और परिस्थितियों के आधार पर दिया जाता है। सपा नेता ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है और मैं उनका सिपाही हूं, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बता दें सपा ने मुरादाबाद लोकसभा सीट पर एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद पार्टी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।